तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे देखते हैं। तो अब हमारा जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो ये क्या होता है कि कूलम्स लॉ जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ एक लॉ है, ठीक है, जो चार्ल्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। चार्ल्स के लिए कूलम्ब भाई साहब ने एक फॉर्मूला दिया था चार्ल्स के फोर्स के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग फोर्स। तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर जो हमारा ये फिजिक्स है उसकी कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है, उसमें से चार्ज में क्या है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, ओके, देखते हैं। तो जैसे एनर्जी, मास, फोर्स और चार्ज, अगर हम ये कहें कि ये चारों ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके बेस पे हम फिजिक्स की हर चीजों को समझ सकते हैं, अगर इन चारों चीजों का हम बात ना करें तो वो इनकम्प्लीट है, यानी इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी जिसको हम फिजिक्स में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो कूलम्स लॉ तो चार्ज के रिगार्डिंग है, ओके। तो देखते हैं कि चार्ज में भी फोर्स होता है, ठीक है। तो फोर्स तो क्या सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है किसी भी बॉडी का। तो लॉ जो चार्ज के रिगार्डिंग एक लॉ है जिसको कूलम्ब ने दिया था, ठीक है, तो उसको हम स्टडी करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझना बहुत ही जरूरी है, जैसे पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज यानी कहने का मतलब बिंदु आवेश, ये क्या है, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जिसको समझते चलेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि जब कूलम्ब्स का लॉ हम उसको पढ़ेंगे तो उनमें इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी और कुछ कुछ चीजें हम सीख भी चुके हैं, उसको भी देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, ठीक है, पॉइंट चार्ज जस्ट लाइक एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम चार्ज को एक छोटे रूप में कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं एक पॉइंट लिख दिया तो इसमें चार्ज तो एकदम तो होगा ही नहीं, तो छोटा सा लिख दिया मैंने, एक डॉट बना दिया। तो पॉइंट चार्ज को हम डिनोट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि हम कंसिडर करते हैं। कैसे, हम लोग जब मैकेनिक्स पढ़ रहे थे 11th में, तो एक ट्रेन जो था, जो इतना बड़ा होता है ट्रेन, यू नो, तो उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में लेके फिर उसका हम स्टडी करते थे। तो उसी तरह चार्ज को हम पॉइंट चार्ज के रूप में लेकर स्टडी करेंगे, यानी पॉइंट चार्ज एक कंसिडरेशन है, ओके, जिसको हम समझते हैं कि चार्ज को पॉइंट के रूप में मेजर करेंगे, ओके, और पढ़ेंगे। तो देखिए, तो पॉइंट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज के बाद से आता है चार्ज। तो चार्ज के बारे में हम लोगों ने बताया था कि ये इंट्रिंसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है किसी भी बॉडी का, और हमने ये भी देखा था कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। जो लाइक चार्ज थे एक जैसे जो चार्ज थे, यानी प्लस और प्लस, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर हटेंगे, ठीक है। यानी यहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, या फिर माइनस माइनस चार्ज, जो निगेटिव चार्ज, यानी सेम चार्ज है, यहां भी क्या होगा हमारा, प्रतिकर्षण होगा, यानी रिपल्सन फोर्स यहां पर काम करेगा, यानी इनके बीच क्या होगा बॉस, दुश्मनी। ये चीजें याद रखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी अगर प्लस हो और माइनस हो तो इनके बीच क्या होगा बॉस, यहां होता है प्यार, ठीक है, अपोजिट नेचर के जब चार्ज हो, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से, तो यहां पर दोनों एक दूसरे के क्या आते हैं, करीब आते हैं, और फिर यहां से कहानी स्टार्ट होती है। चलिए, तो ये तो काम की बात की आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइक चार्ज और हम देख रहे हैं कि अनलाइक चार्ज, ठीक है। तो लाइक चार्ज क्या करता है, रेपेल करता है, यहां रिपल्शन का फोर्स लगता है, और अगर अनलाइक चार्ज को देखते हैं तो यहां पर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, अट्रैक्शन, यानी कहने का मतलब आकर्षण, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब आएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट और बताऊं, जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि कोई भी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी चार्ज है, ठीक है, इस बात को समझना, मैं आपको समझाता हूं। मैंने बोला कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी चार्ज हो गई। तो कोई भी बॉडी अगर चार्ज होती है
तो वो एक फील्ड जनरेट करती है, यानी एक क्षेत्र बनाती है, और अपनी क्षेत्र जो भी उस क्षेत्र के बीच में आते हैं संपर्क में, या तो उसको वो आकर्षित करती है या फिर प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, कोई भी चार्ज, ठीक है, अगर वो मैं बोलूं कि कोई एक चार्ज बॉडी है तो उसका एक एरिया होगा जिसमें उसका इफेक्ट होगा। आई बात समझ गए? अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी चार्ज है तो बिल्कुल ये क्या हो गया इसका, मैंने ये जो कॉरिडोर है ये घेर दिया, ये क्या हो गया इसकी फील्ड हो गई, यहां तक इसका फील्ड है। तो इस फील्ड का अनुभव कोई कैसे करेगा जब तक वो यहां नहीं आएगा, ठीक है ना, इस डॉट के पास जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो इस फील्ड का अनुभव नहीं कर सकता। आई बात समझ में? तो ये बेसिक पॉइंट्स थे। ठीक है, तो यहां से हमने ये भी देखा था कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या आता था, कौन सा फील्ड आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, यानी विद्युत क्षेत्र। याद है आपको फर्स्ट क्लास में ही मैंने ये चीजें बताई थी। और अगर चार्ज मोशन में हो, यानी चार्ज क्या हो गया मोशन में हो, तो मोशन के दो केसेस हैं। मोशन के दो केसेस क्या क्या है कि एक तो हमारा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा हो चार्ज, ठीक है, यानी वहां पर क्या है स्पीड उसकी फिक्स है, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो। तो वहां पर ये जो बॉडी है, यानी ये जो चार्ज बॉडी है, वो कौन कौन सा हमारा फील्ड जनरेट करेगी, तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर बॉडी एक्सेलरेटेड हो, यानी q not equal to zero, यानी अब q जीरो नहीं है, और जो बॉडी का जो था चार्ज तो है, लेकिन वो क्या है मूविंग चार्ज और एक्सेलरेटेड है, तब क्या होगा। तो अगर उसमें एक्सेलरेशन हो जाए तो ये तीन चीजें रिप्रेजेंट करती है, तीन तरह के फील्ड को जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना, इन तीनों को वो रिप्रेजेंट करती है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो रिलेटेड थे कूलम्स लॉ से, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि एक हम फोर्स की चर्चा करेंगे जो चार्ज के रिगार्डिंग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, जो चार्ज के कारण हमने देखा कि जो हमारी सजातीय आवेश थी, यानी लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज, विजातीय आवेश, वो क्या कर देती, एक जगह अट्रैक्ट हो रही है, एक जगह रिपल्सन हो रहा है उनके बीच, तो वो जो फोर्स है ना, वहां पर जो फोर्स काम कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है थोड़ा सा देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। थोड़ा इसको आप डिफिनेशन इसका लिख लेंगे कि क्या होता है कि दो आवेशों के बीच, आप लिखेंगे दो आवेशों के बीच, बोर्ड में कभी कभी याद आता है लेकिन अपने कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में देखेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यानी वहां हम देखे थे कि जो फोर्स लग रहा था, जब प्लस प्लस जो चार्ज था, माइनस माइनस जो चार्ज था, या जो प्लस माइनस था, ये तीन केसेस थी, मतलब देख रहे थे ये दोनों क्या सेम चार्ज को एक दूसरे को क्या करती थी, रेपेल करती थी। तो क्यों रेपेल करती है, ठीक है, ये अट्रैक्ट यहां पर भी रेपेल कर रही है क्योंकि सेम चार्जेस है, लेकिन यहां पर क्या है अट्रैक्ट कर रही है। तो आखिर ये जो फंडा है, ये पूरा किसका फंडा है, फोर्स का, इसका फंडा है फोर्स का। तो वो जो फोर्स है जो दो चार्जों के बीच में लगता है, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी फोर्स के बारे में एक नियम दिया था कूलम्स ने। आई बात समझना, कि कूलम्स ने जो हमारा नियम दिया था, जो कूलम का नियम है, वो कूलम्स लॉ क्या बताता है, चार्ज के रिस्पेक्ट में ही, जो चार्ज का फोर्स लग रहा है उसी के रिस्पेक्ट में वो
उन्होंने एक नियम दिया था। तो आइए अब हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ को देखेंगे। चलिए, तो ये मैंने लिखा कूलम्ब्स का जो नियम था उसके बारे में मैंने लिखा, थोड़ा डिटेल में लिखा हूं उसको समझेंगे। देखिए 1785 में ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम था सी ए कूलम्ब ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना, उनके बीच जो लगने वाले विद्युत बल थे उसके संबंध में एक नियम का वेरिफिकेशन किया, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कूलम्ब का नियम कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जो उनकी बातों से मतलब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उनसे दो कंक्लूजन निकले, उन दोनों को मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझेंगे भी, आप कॉपी कर ले, ठीक है, जिनको नोट्स बनाना है कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम कूलम्ब्स लॉ का जो क्या स्टेट्स है उन्होंने क्या दिया था स्टेट्स वो हम देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि दो पॉइंट चार्ज को उन्होंने लिया था, ठीक है, तो हम भी दो पॉइंट चार्ज को लेंगे और पूरा अच्छे से उसको अभी देखते हैं। आप कॉपी कर ले फिर मैं आपको बताता हूं कि कूलम्ब्स लॉ क्या है और क्या पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ में। तो देखिए उन्होंने कहा कि दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगी, यानी एक में मैं आपको दो डायग्राम बनाता हूं और इसको हम लोग समझेंगे, ओके, इसको हम लोग बेसिक लेवल से समझेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ये प्लस चार्ज है, ये भी एक प्लस चार्ज है, ठीक है ना, एक पॉइंट है एक पॉइंट है, यानी इस पर प्लस चार्ज है यानी क्यू बोल दिया मैंने, और इस पर भी क्या हो गया ये क्यू, और ये क्या हो गया क्यू टू हो गया, ये चार्ज है, दो पॉइंट है एक पर क्यू वन चार्ज है और एक पर क्यू टू चार्ज है, दोनों पर क्या है प्लस है, ओके। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया रेपल करेगा, बेसिक सा बात तो समझ रहे, ठीक है। एक मैं और बनाता हूं माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, ठीक है, इस पर भी क्यू वन चार्ज और इस पर क्यू टू चार्ज, इस पर माइनस में है और इस पर प्लस में है, ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो मैंने बस डायग्राम बनाया, अब इसको समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि ये क्या करेगा जब दो सेम चार्ज पे एक साथ लाएंगे तो क्या करेगा एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है, और यहां पर क्या करेगा ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अब कुछ समझने वाली बातें हैं जो कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग है, कि पहला कहते हैं कि जब दो चार्ज चाहे वो आकर्षण है या प्रतिकर्षण है, यानी कहने का मतलब सेम चार्ज है या मतलब लाइक चार्ज है या फिर अनलाइक चार्ज है, दोनों का अगर जो पॉइंट चार्ज है दोनों का जो आवेश का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, ठीक है, यानी क्यू वन क्यू टू, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा यानी जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के उसके क्या होगा अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये कहने का मतलब था कि फोर्स जो होगा जो यहां पर फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू वन और क्यू टू के। अब थोड़ा सा समझने वाला बात है कि सर यहां पर कूलम्ब ने सर निगेटिव है तब तो मतलब फोर्स को घटना चाहिए, बॉस ये प्लस और माइनस मैथमेटिक्स के नहीं है, ये क्या शो कर रहा है चार्ज के नेचर को शो कर रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत आईक्यू लेवल को बढ़ाइए, ठीक है, जो चीजें बता रखा हूं उसको याद रखेंगे कि ये यहां जो प्लस लगता है चार्ज में जो प्लस माइनस लिख रहे हैं वो क्या करता है नो नेचर को शो करता है, नेचर को बॉस, किसको शो करता है नेचर को, ओके। चलिए तो अब यहां पर जो पहला हमारा जो उनका स्टेट्स था वो ये बताता है कि जो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा यानी जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके कहने का मतलब ये कि आप खुद ही देखिए अगर चार्ज की क्वांटिटी बढ़ती है तो ऑब्वियस सा बात है फोर्स क्या होगा ज्यादा होगा, जब चार्ज ज्यादा है तो फोर्स भी तो ज्यादा तेजी से लगाएगा ना कोई भी चीज, ओके। अगर आप भी बहुत ज्यादा चार्ज हो जाओ मतलब पूरा तो आप ज्यादा मतलब अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है चार्ज कहने का मतलब उसमें मास चला गया, ठीक है, मास तो कहने का मतलब वो अगर चार्ज हो गया कोई भी बॉडी तो अपने समझ को ज्यादा काम करेगा उसके अंदर ज्यादा एनर्जी, यानी कहने का मतलब अगर कोई बॉडी चार्ज है, ठीक है, तो अगर उसका चार्ज बढ़ता है ठीक है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है फोर्स क्या होगा ज्यादा लगेगा। सेकंड जो है वो कहते हैं कि उनके बीच की जो दूरी होगी
दूरी के वर्ग के क्या होगा वो व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब इन वर्ग की प्रोपोर्शनल, यानी कहने का मतलब अगर इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने r मान लिया, ये r मान लिया, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने क्या मान लिया, r मान लिया, तो r जो होगा हमारा r वो क्या होगा इनके बीच के दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1/r2। अब देखिए अगर दूरी बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, ऑब्वियस है, ये जितने ज्यादा क्लोज आएंगे फोर्स क्या होगा और स्ट्रांग होता जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जैसे अगर दूरी को हम बढ़ा देंगे डबल कर दे दूरी तो फोर्स क्या होगा कम लगेगा ना, आई बात समझ में। तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये दो चीजें बताई कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा फोर्स भी लगेगा, और जो दूरी होती है अगर दूरी कम होती है बस अगर दूरी कम होगी, मैं आपको एक सिंपल सवाल बताता हूँ कि अगर मुझे किसी चीज को पकड़ना है तो अगर मेरे बीच और उसके बीच की दूरी, सपोज करो कि मुझे इसको पकड़ना है, इस मार्कर को मुझे पकड़ना है, तो ये जितना ज्यादा क्लोज रहेगा अगर मेरे तो उतना ही क्या होगा मेरा फोर्स होगा काफी स्ट्रांग लगेगा, अगर इसकी दूरी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा कोई बहुत मतलब आसानी से जल्दी इसको खींच सकता है, मेरा तो फोर्स क्या हो गया धीरे धीरे वीक हो जाएगा। तो आप जानते हैं फोर्स का फंडा यही है बॉस कि वो कभी भी दूरी के यानी आर के यानी डिस्टेंस के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां भी क्या होगा वो उल्टा होगा, यानी कहने का मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा फोर्स घटेगा, ये कह के अगर फोर्स बढ़ रहा है यानी दूरी इसका मतलब है घट रहा है। तो इसी को फॉर्मूले के बेस पे किया उन्होंने एक जगह, अब क्या मैं इन जो डाटा को मैंने आपको समझाया इनको एक फॉर्मूला के रूप में ऐसे लिख सकता हूं क्या q1 q2 by r2, आई बात समझ में। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा कि q1 q2 by r2, ये यहां पर क्या है कूलम कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर कूलम कांस्टेंट लगेगा। तो आई बात समझ में, कूलम्स लॉ क्या था, अब मैं कूलम्स के बारे में इनका पूरा नाम शायद आपको पता ना हो, चार्ल्स आइंस्टीन डी कूलम, चार्ल्स आइंस्टीन डी कूलम उनका पूरा नाम था, और इनके बारे में बता दूं कि ये फ्रांस के थे, और मैं जो अपने पेरिस में यानी लंदन में आपने देखा है कि एफिल टावर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उस समय जब एफिल टावर बनाने की भी बात चल रही थी तो उसमें जो बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे मैथमेटिशियन बहुत सारे फिजिसिस्ट का मतलब उनके थ्रू बनाया जा रहा था वो, तो उसमें कूलम बॉस भी थे, कूलम साहब भी वहां पर थे, और इन्होंने ग्रेट फिजिसिस्ट के नाते उसमें वर्क कर रहे थे, और जब वो जो एफिल टावर बन गया था तो अप्रोक्सीमेट 72 जो टॉप मोस्ट उसमें इंजीनियर्स ठीक है मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट थे तो उनको अवार्ड दिया गया था, तो उसमें कूलम्स भाई भी थे, आई बात समझ में ना, तो थोड़ा बहुत सोचा आपको जानकारी के लिए बता दूं। बट कूलम्स का लॉ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखें ये कहता क्या है, मैं एक बार फिर से आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत समझेंगे इन चीजों को, क्योंकि आप जितना समझेंगे उतना ही मजा आएगा, क्योंकि इसको समझना भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं, यहां से अगर मैं कहूं कि क्वेश्चंस आते हैं हमारे लिए तो उसको समझना जरूरी है। आइए देखते हैं कि मैंने बोला कि या तो पॉजिटिव, ये एक पॉइंट चार्ज इस पर पॉजिटिव है क्यू प्लस, यहां भी एक पॉइंट चार्ज है जिस पर क्या है इस पर भी क्यू प्लस है, ठीक है आई बात समझ में ना, तो दोनों के बीच में क्या होगा यहां पर रिपल्सन काम करेगा ना, रिपल्सन होगा ये हम समझ गए इन चीजों के बीच में, क्योंकि सेम चार्ज है तो रेपेल करेंगे, ओके इन्होंने क्या किया एक दूसरे को रेपेल किया जैसे क्लोज लेके आएंगे। अब देखिए तो उन्होंने और यहां पर एक और चार्ज लेते हैं, ये प्लस है ये माइनस नेचर का है चार्ज, ठीक है ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू दो पॉइंट चार्ज लिया हमने, तो यहां पर क्या होगा ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे ये हमने देखा। तो उन्होंने जो कूलम्स ने बताया था कि अगर दोनों का जो मैग्नीट्यूड अगर कभी भी बढ़ेगा तो जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है वो भी क्या होगा बढ़ेगा, यानी Q1 Q2 ये Q1 ये Q2 मान लिया Q1 ये Q2 मान लिया,
तो जो Q1 और Q2 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोर्स के होगा, किसके होगा, फोर्स के, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा फोर्स यानी बल उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। पहला रूल ये बताया था उन्होंने। सेकंड उन्होंने ये बताया कि अगर दोनों के बीच का ऑब्वियस सवाल है, आप एक बात को समझो यहां पर, कि अगर दो पॉइंट चार्ज मैंने लिया, एक यहां लिया एक यहां लिया, एक पे प्लस चार्ज है एक पे प्लस चार्ज है, Q1 Q2, ठीक है। तो यहां पर वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को अगर हम बढ़ा दें, तो यहां पर ही आ गया Q1, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा दें, तो यहां तो मैंने यहां पर कर दिया Q1 और यहां पर कर दिया Q2। अब देखिए बिल्कुल ये कॉमन सा बात है कि अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना छोटा था तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा, लेकिन यहां पर जब डिस्टेंस बड़ा हो गया तो ये फोर्स जो लगाएंगे एक दूसरे पे वो क्या होगा, वो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा ना, अभी जब भी डिस्टेंस आ गया ना, क्या हो गया, डिस्टेंस आ गया, यानी फोर्स जो क्या हो गया हमारा यहां पर कम हो गया, फोर्स क्या हो गया कम हो गया, उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि डिस्टेंस के कारण, ओके, क्योंकि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसका तो फोर्स क्या होगा, ऑब्वियस है घटेगा। तो कहने का मतलब यही चीज उन्होंने दो चीजें बताई थी कूलम्ब्स ने, जिसको फॉर्मूला के रूप में लिखा जाता है, यानी अब जो हमारा कंक्लूजन देखे कि जो फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला ये रहा, एफ बराबर ए Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है, और यहां पर K क्या है आप लिख सकते हैं सभी को, कौन क्या है, नोट्स जरूर बनाएं क्योंकि बोर्ड्स की एग्जाम में आते हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, तो आप नोट्स जरूर लिखिए। तो K क्या हो जाएगा हमारा, कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है, अभी हम बात करेंगे K पे भी बात करेंगे, फिर K जो होगा हमारा Q1 Q2 क्या हो जाएगा हमारे यहां पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी दो आवेशों का परिमाण है, और R जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जो दो चार्ज है उसके बीच का क्या हमारा डिस्टेंस है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे।